हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज है दिनांक 18 फरवरी। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, तो जो पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। भोलेनाथ की कृपा सब लोगों पे बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज के दिन उपवास रखते हैं, बहुत से लोग उपवास रखते हैं। तो हमारे घर में भी हमने उपवास रखा है, मैंने उपवास रखा है, मेरी वाइफ ने और मेरे छोटे भाई ने उपवास रखा है। तो फ्रेंड्स, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को शाम के टाइम की हम मतलब उपवास रखा जैसे, तो हम कैसे पूजा करते हैं भोलेनाथ की, सब कुछ दिखाऊंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, तो ड्यूटी में हमारे को फ़ोन ऐसे ही अलाउड नहीं होता है। हमारा 9 से 5:30 फ़ोन सिक्योरिटी में जमा होता है, जिसकी वजह से हम दिन में वैसे भी कुछ भी मतलब दिखाना भी चाहे तो वो भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट कंपनी है, तो उसमें अलाउड नहीं होता हमारे को। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूँगा आपको शाम को 5:30 के बाद। तो अभी निधि की भी आज छुट्टी है। निधि छुट्टी है ना तेरे पास स्कूल से? हाँ जी पापा जी। ओके, ठीक है। फिर आज तेने घर में रहना है फिर, है ना? क्या काम करेगी तू घर में आज? तैयारियाँ काहे की तैयारियाँ? शिवरात्रि की। शिवरात्रि की तैयारी करेगी? हाँ, तो मम्मी के साथ हेल्प करनी जाना है, ठीक है? मम्मी की हेल्प करा रही हूँ, जो भी मम्मी कुछ काम करेगी, सफाई करेगी घर में, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, अब मिलता हूँ मैं आपको शाम को, तब तक के लिए बाय बाय। तू भी कर दे बाय। हाय फ्रेंड्स, तो मैं अब अपनी ड्यूटी से घर पहुंच चुका हूं। तो अब ड्यूटी से पहुंचने के बाद अब हम करेंगे थोड़ी पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद फलाहार वगैरह लगाएंगे, खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे और व्रत खोलेंगे हम कल सुबह। क्योंकि हमारे व्रत जो होता है, जैसे हम आज दिन में रखा हमने व्रत, तो हम हमारा सारा दिन आज व्रत रहेगा। अभी भी हमने केवल फलाहार करना है, उसके बाद जो हम खाना खाएंगे वो कल सुबह पूजा अर्चना करने के बाद जो कुछ भी बनेगा पहले हमारे, जैसे भी हम घर में कुछ भी बनाएंगे तो उसका भोग पहले भोलेनाथ जी को, जैसे हमने पूजा अर्चना करते जहाँ पे वहाँ उनको लगाएंगे, उसके बाद फिर खुद भोजन करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, अभी मैं दिखाता हूँ आपको जहाँ हम अभी पूजा अर्चना करेंगे, तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, हम अभी यहाँ करेंगे पूजा। ये भी अभी वाइफ यहाँ पे सब कुछ सामान रख के गई है, जो भी हमने भी यहाँ फलहार वगैरह बनाया है, तो हमने ये भी भोलेनाथ जी को चढ़ाना है, उसके बाद खुद फलहार खाएंगे और फिर अपना व्रत खोलेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, और ये जो है ये मेरी वाइफ ने मिट्टी के बनाए हैं यहाँ पे, जो ये ठीक यहाँ है, ये भोलेनाथ जी है, ये पार्वती मैया और साथ में गणपति जी, और इस साथ में बिल्कुल साइड में जो आप देख रहे हैं ये नंदी जी महाराज, और ये जो सामने आप इनके रख रहे हैं, ये इस रखे हैं ये मिट्टी के डोने टाइप में, इसमें हम अभी जो भी फलहार बनाया है वो इनको लगाएंगे। और इस साथ में बिल्कुल सामने जो है ये है हमारा शिवलिंग जी, शिवलिंग बनाया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, अब हमने फलहार खा लिया है और अब हमने जाना है सोने, क्योंकि अब हम थक चुके हो ज़्यादा। आज सारा दिन फास्ट था, काम किया, काफ़ी थकान हो चुकी है। तो मैं आज अपने ब्लॉग का एंड यहीं कर रहा हूँ। तो लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। अब मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।